Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों हमने जो chapter 3 में अभी कल जो topic discuss किया था business environment में economic policy यानी कि liberalization, privatization and globalization जो components थे economic policy के और उसका क्या impact हुआ था जब वो policy बनी थी ठीक है. Now today we are going to different topic of this chapter and this is the very last topic of this chapter. आप लोग को याद होगा कि November 2016, 8 November 2016 में एक announcement हुआ था कि 1000 और 500 के जो notes हैं ठीक है वो क्या होगा invalid हो जाएंगे from the next day. यानी कि 9th ऑफ नवंबर ठीक है. तो उस टाइम पर जो करेंसी थी यानी कि 500 और 1000 के जो नोट्स थे जिसको डीवैल्यू कर दिया गया था जिसकी जो हम बोलेंगे कि एक लीगल टेंडर होता है यानी कि किसी भी करेंसी को जब हम लॉफुली यानी कि अंडर द परमिशन ऑफ लॉ हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी ठीक है. यानी कि वो जनरली एक्सेप्टेबल बाय लॉ यानी कि इसलिए वो करेंसी है क्योंकि इट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय लॉ. तो वो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 के नोट का उसके क्या पर्पस थे कि उसका क्या मेजर एम था उसको डीमोनेटाइज करने का यानी कि हमारी जो करेंसी थी इंडिया की करेंसी थी उसको 500 और 1000 के नोट्स को डीवैल्यू करने का क्या मोटिव था और उसका क्या प्रोसीजर था और क्या क्या कंडीशंस थी क्योंकि ऑल ऑफ द सडन अगर हम मार्केट से करेंसी के ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी इकोनॉमी में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में करेंसी सर्वाइव ना करे यानी कि करेंसी रेगुलेट ना हो रन ना करे तो इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी. तो कुछ कंडीशंस रखी गई थी जिस टाइम पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी सो दैट जिनके पास वो नोट्स थे वो करेंसी थी वो क्या कर सकते थे बैंक जाकर अपना जो पैसा है उसको एक्सचेंज कर सकते थे. तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी ठीक है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीमोनेटाइजेशन क्या था यानी कि जो हमारे करेंसी में इंडिया की इकोनॉमी जो करेंसी थी उसमें 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको क्या कर दिया गया था डीवैल्यू कर दिया गया था डीमोनेटाइज कर दिया गया था यानी कि अब उसको कोई भी जनरली यानी कि कोई भी हम सामान खरीदने जाएंगे किसी भी पेमेंट के लिए उसको देंगे तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इट वॉज बैन बाय लॉ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था यानी कि अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट डे से ये नोट नहीं चलेंगे करेंसी हमारी ये इनवैलिड हो गई है और उसकी जगह ऐसा नहीं है कि उन्होंने करेंसी डीवैल्यू कर दी और कुछ हमें उसके बदले में नहीं दिया. जब 2000 का नोट आया वो डीमोनेटाइजेशन के बाद आया आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो नोट्स निकले हंड्रेड के 50 के 200 का एक न्यू इंट्रोडक्शन हुआ करेंसी का जो वैल्यू थी क्योंकि पहले 200 के नोट नहीं हुआ करते थे ठीक है. और जो रुपी 20 नोट था वो भी चेंज कर दिया उसका कलर भी चेंज हुआ. तो ये सारा हुआ कब डीमोनेटाइजेशन के बाद जब 500 और 1000 के नोट को बिल्कुल डीवैल्यू कर दिया गया. नाउ इसको अगर हम जनरल टर्म्स में बुक में देखेंगे तो देखिए इस तरह से इसको शो किया गया है. November 8, 2016 was the day when 500 and 10,000, 1,000 denomination notes were withdrawn from circulation. जो इंडिया की जो करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसमें 500 और 1,000 के नोट को क्या कर दिया गया था डीमोनेटाइज कर दिया गया था. और इट वॉज रिजल्टेड ये मेन देखिए हम ये समझेंगे इट वॉज रिजल्टेड इन विदड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन. इंडिया की जो करेंसी थी 100% करेंसी में से 86% करेंसी जो थी जो 500 और 1000 के नोट के जो फॉर्म में थी वो क्या हुई विड्रॉ हो गई यानी कि मेजर पार्ट ऑफ इंडियन करेंसी वॉज विड्रॉल आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन विच वर इन सर्कुलेशन. पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट्स विद द न्यू अप टू अ लिमिट. अब ये देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख जितना भी पैसा है आपका
उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपको टाइम पीरियड दिया गया था और आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके मदर या आपके ब्रदर गए होंगे चेंज करने, तो उन्होंने क्या बोला होगा कि एक अप टू अ सर्टन लिमिट, अगर आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया या 50,000 डिपॉजिट किया तो ऑन हैंड, क्योंकि इतना सारा आपको जब एक करेंसी आप विड्रॉल कर रहे हो तो आपको दूसरी कंट्री इंट्रोड्यूस भी करनी है, उसकी प्रिंटिंग, उसका बहुत सारा वर्कलोड उनको देखना पड़ता है। तो ऑल ऑफ सडन हम सारा का सारा पैसा करेंसी वापस से सर्कुलेशन में नहीं ला सकते गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक लिमिट तय कर दी थी कि 5,000 या 10,000 या 20,000 ही आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखिए, देयर वॉज रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल। ये रेस्ट्रिक्शन था कि उसी उतना ही कैश जितना आपने अगर डिपॉजिट किया है, ज़्यादा कैश तो वो क्या कर सकते हैं आप, विड्रॉल नहीं कर सकते। अब हम इसके एम्स की तरफ चलेंगे, यानी कि मेन एम क्या थे, किस पर्पस से इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल ऑफ सडन जो इकोनॉमी को ब्रेक एक तरीके से कह लगा था, तो इसका क्या मोटिव था? जाहिर सी बात है कुछ बड़ा पर्पस रहा होगा, तो इंडिया को उसके डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए ही ये एजेंडा रहा होगा, जो डिमोनेटाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया और ऑल ऑफ सडन उसको इम्प्लाई कर दिया था। राइट, डिफिकल्टीज आई थी बहुत से लोगों को, लेकिन उसके एम जो थे, उसके जो पर्पस थे, वो यही था कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब पहला एम देखिए इसमें क्या है कि द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज टू कर्ब करप्शन, चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाई नॉट डिक्लाइनिंग इन इनकम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? पहला, जो इंडिया में करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको ब्रेक लगाया गया विद द हेल्प ऑफ डीमोनेटाइजेशन। करप्शन कैसे बढ़ रहा था? सपोज हमने किसी ने, किसी ऑफिसर ने ब्राइब लिया, रिश्वत लिया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 2 लाख, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट बैंक में ना देकर क्या करते हैं, कैश में दे दिया, वो उन्होंने कैश अपने घर में स्टोर करके सेव करके रख लिया। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जब वो बैंक में जाएगा बंदा अपना कैश लेकर, तो उससे वहाँ पर फॉरेन टैक्स अथॉरिटी, यानी कि जो टैक्स ऑफिसर होते हैं, वो इंक्वायरी, फॉरेन बैंक से इंक्वायरी वहाँ जाएगी, वो पूछेंगे इतना कैश आपके पास कहाँ से आया, किस मीडियम से आया, आपने ये शो क्यों नहीं किया, उस पर टैक्स क्यों नहीं पे किया, और क्या होगा, वो पैसा अल्टीमेटली सीज हो गया। तो यानी कि डिमोनेटाइजेशन से जो करप्शन था, ठीक है, वो काफ़ी हद तक, अब करप्शन जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिज्म होता है जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो उससे क्या हुआ, जो उन्होंने पहले से पैसा ब्लैक मनी के फॉर्म में, ब्लैक मनी मतलब जो पैसा हिडन होता है, जो बैंक्स में शो नहीं किया जाता है, जो अपने पास सेव करके रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। तो जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिज्म हो गया, क्राइम हो गया, उसमें जो पैसा यूज़ होता है, वो क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के हेल्प से वो पैसा उनका सब यूजलेस हो गया। तो इससे एक तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी से, यानी कि करप्शन को और ब्लैक मनी होल्डिंग को क्या क्या इरेडिकेट किया गया, और उससे जो इतनी भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे भी काफ़ी हद तक क्या हुआ, लगाम पकड़ ली उन्होंने। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो क्या हो गया था, वो उस टाइम उनका पैसा डीवैल्यू हो गया। तो पहला एम क्या था कि यानी कि करप्शन, करप्शन को ख़त्म करना, ब्लैक मनी जितना भी लोगों ने इकट्ठा कर रखा था उसको क्या कर देना, डीवैल्यू कर देना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक तरह से रोक लगा दी, और काफ़ी हद तक उनका, जिसे हम कहेंगे सपोर्ट सिस्टम था, उसको उन्होंने पूरा हिलाकर रख दिया, ये डिसीजन लेकर कि डीमोनेटाइजेशन से जितना भी इलीगल पैसा था, इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उन पर काफ़ी हद तक क्या गया, रोक लग गई। ठीक है ना, इसके कुछ फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, सबसे पहला इसका क्या था कि टैक्स मेजर। अब जब करेंसी डीवैल्यू हो गई और जो पैसा उनके पास पुराना रखा हुआ था उसको क्या हुआ, वो डीवैल्यू हो गया। अगर वो लाकर बैंक में जमा भी करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उनसे उस पर इंक्वायरी की जाएगी, इतना पैसा ये आपके पास कहाँ से आया। ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट। अब जैसे कि बताया कि उनका पैसा यूजलेस हो जाता, अब वो क्या करें, या तो बैंक में जमा करें तो इंक्वायरी आएगी, और बैंक में जमा नहीं करते तो यानी कि अल्टीमेटली वो तो पैसा क्या हुआ, इकोनॉमी से बाहर हो ही गया, जो उन्होंने ब्लैक मनी के फॉर्म में सेव कर रखा था। नेक्स्ट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। क्या होता है कि जब कभी भी ज़्यादा इनकम होती है तो क्या करते हैं हम लोग, के बैंक में जमा करके खुद के पास रख लेते हैं, क्योंकि बैंक में जमा करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, उस पर इंक्वायरी होगी कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, एक टैक्स स्लैब बने हुए होते हैं, 3 लाख रुपए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको इतना टैक्स देना है मंथली,
6 लाख पे फायदा हो रहा है तो आपको इतना टैक्स देना है, 10 लाख का फायदा हो रहा है तो इतना टैक्स पे करना है। तो ये गवर्नमेंट नहीं, टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो टैक्स स्लैब प्रिपेयर कर देती हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जो टैक्स इवेड कर देते हैं यानी कि टैक्स की चोरी कर लेते हैं, तो उससे क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से टैक्स इवेजन जो था बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डीमोनेटाइजेशन लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टैक्स एडमिनिस्टर करने में हेल्प हुई। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, अब जब लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया तो उससे बैंक को भी ये हेल्प मिली, बैंक के पास जब पैसा आया तो उन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। सेविंग्स लोगों की जो फाइनेंशियल सिस्टम में, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग, यानी कि अब वो अपना पैसा क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। एज मच एज ऑफ द कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल ऑफ एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू पीपल फॉर लोन, जितना उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया यानी कि किसी और को ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते थे, उनको लोन के फॉर्म में जो बैंक थे वो प्रोवाइड कर सकते थे। बैंक के पास सफिशियंट अमाउंट था कि वो अब वो लोन प्रोवाइड कर सकते विद द हेल्प ऑफ डीमोनेटाइजेशन। क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी, अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज अ क्रिएट कैशलेस, यानी कि अब देखा होगा आपने कि ज़्यादातर क्या हुआ कि बहुत सारी ऐप आ गई, रुपए ऐप आ गई, भीम ऐप आ गई, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, तो उससे क्या हुआ कि इकोनॉमी को लेस कैश बनाना, यानी कि कैश की ज़्यादा ज़रूरत ना होकर हमें क्या करना होगा, ऑनलाइन यानी कि डिजिटल पैसा ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ कुछ टाइम पहले फास्टैग, जितने भी टोल प्लाजा जो हम ट्रेवल करते हैं रास्ते में जो टोल टैक्स हमें पे करना पड़ता है वो भी उन्होंने क्या कर दिया, सब ऑनलाइन पे करना शुरू करवा दिया, यानी कि हम डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे, हम अपनी गाड़ी पे एक जो कोड होता है, बार कोड स्कैन होता है वो कंप्यूटराइज, और जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट से यानी कि पेटीएम अकाउंट से, गूगल अकाउंट से, और हमारे बैंक अकाउंट से अल्टीमेटली ऑनलाइन ही डिडक्ट हो जाता है, वहाँ हमें कैश ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक मोटिव यह था कि लेस कैश एंड मोर डिजिटलाइजिंग पेमेंट कैन बी प्रमोट विद द हेल्प ऑफ डीमोनेटाइजेशन, यानी कि कैश कम होगा इकोनॉमी में तो होर्डिंग कम होगी, ब्लैक मनी ज़्यादा नहीं सेव कर पाएंगे लोग। ठीक है, ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उसका एक ये मोटिव भी था। नेक्स्ट है दे रिक्वायर यूज ऑफ सेलफोन, लेकिन कुछ इसमें हिंड्रेंस थे कि अब सबको, सब तो डिजिटलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली उसके लिए क्या होना पड़ता है, स्मार्टफोन होने चाहिए लोगों के पास, यानी कि सेलफोन्स होने चाहिए, और रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी। और उसके लिए अब जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंटरनल यानी कि आपको कनेक्टिविटी होना, नेटवर्क कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जब जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली जो है विलेजेस में जो सर्वाइव कर रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि वहाँ पर वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये बच्चों हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन जो था उसके क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या उसका मेन मोटिव था, जो हमारे 500 और 1000 के नोट्स तो जो उसको इंडिया की इकोनॉमी से, उस करेंसी को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, रिमूव कर दिया गया, और उसके बदले जो थे दूसरी करेंसी यानी कि 2000 का नोट को जो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो बहुत सारे इसके एम थे जिनकी वजह से ये इतना मेजर स्टेप लिया गया था, और काफ़ी हद तक उसमें हमने देखा वो इम्प्रूवमेंट भी रहा, और हमें उसमें एक बोलेंगे कि अकम्पलिशमेंट यानी कि एक एक तरह से सक्सेसफुल एक स्टेप माना गया ये गवर्नमेंट का, जबकि उसमें डिफ़िकल्टीज जो थी थोड़ी बहुत लोगों को काफ़ी हद तक बल्कि डिफ़िकल्टीज आई थी डीमोनेटाइजेशन में, लेकिन इंडिया के बेटरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट को सही लगा उसने वो डिसीजन लिया और उस पर वर्क भी किया। तो ये था हमारा डीमोनेटाइजेशन। अब हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट, ये कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड द के वी विल डिस्कस नाउ द केस स्टडीज इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो टिल नाउ आप नोट्स रिवाइज कीजिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए प्लीज़, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन व्हेन यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। टिल देन टेक केयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम, बाय।